Good morning, students. In our last class, we have studied about some cell organelles like ribosomes and endoplasmic reticulum. Okay. Today, we are going to discuss about few of the new or different types of cell organelles. आज हम दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे गोल्जी एपरेटस. ओके, व्हाट इज गोल्जी एपरेटस एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस, इट इज आल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन डॉक्टर. ओके, एक इटालियन डॉक्टर थे, ही वाज नेम्ड कैमिलो गोल्जी. ओके, इन 1898 में इटालियन डॉक्टर जिनका नाम कैमिलो गोल्जी था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम के बेस पर ही इसका नाम गोल्जी एपरेटस पड़ा. ओके, इसके स्ट्रक्चर में तीन तरीके के पार्ट्स होते हैं. ओके, दे आर ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सैक्स. ट्यूबुल्स, एज यू नो, दे आर द सिस्टर्ने, लॉन्ग फॉर्म्स ऑफ ट्यूब्स. ओके, देन वेसिकल्स, वेसिकल्स दे आर राउंड शेप्ड. ओके, एंड सैक्स दे आर यू नो सम बैग्स लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, बैग्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जिनमें कि ल्यूमेन होता है. ओके, और एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि स्टोरेज का काम करते हैं. ओके, तो इस तरीके से के तीन तरीके के इन गोल्जी एपरेटस के पार्ट्स हो जाते हैं, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स एंड सैक्स. एंड दिस, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बायोकेमिकल कंपाउंड्स को सेक्रेट करना सेल के अंदर. सेल के अंदर जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय द सेल, ओके, दे हैव टू बी सेक्रेटेड. ओके, उनको सेक्रेट करना सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और सेल से बाहर की तरफ ले जाना. ठीक है, टू द आउटर वर्ल्ड ऑफ द सेल. ओके, सेल के बाहर लेके जाना, ये भी गोल्जी एपरेटस का काम हो जाता है थ्रू द वेसिकल्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गोल्जी एपरेटस प्लांट्स में होते हैं और एनिमल दोनों में ही होते हैं. एंड दीज आर द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ वेयर दे आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स. बट एज दीज आर द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दैट इज़ वेयर दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं. इट इज़ ऑल्सो एब्सेंट इन स्पर्म्स ऑफ द मैमल्स एंड आरबीसीज. स्पर्म्स मैमल्स के और उनकी आरबीसीज, वहाँ भी ये गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट नहीं होते हैं. इट लाइज क्लोज टू द न्यूक्लियस, और इनका पोजीशन कहाँ होती है, दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस एंड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, न्यूक्लियस के नियर साइड में होते हैं. ओके, और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, वेयर फ्रॉम दीज आर ओरिजिनेटेड, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इनका ओरिजिन होता है, इनका फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है. ओके, देन गोल्जी एपरेटस आर कैसे होते हैं. ओके, दे आर थिन कर्व्ड यूनिट्स, दे आर नोन एज सिस्टर्ने एंड स्टैक्ड ओवर ईच अदर. और ये सिस्टर्ने लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और सिस्टर्ने का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज यू नो बल्ज करके वेसिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं. ओके, और एक दूसरे के ऊपर स्टैक का फॉर्मेशन कर देते हैं. ओके, एक जो बोलते हैं कि एक गट्ठर बना देते हैं. ठीक है, एक के ऊपर
एक पाइलअप इस तरीके से हो जाते हैं। देन गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स कॉल्ड द डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स इनके गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गॉल्जी एपरेटस का यूनिट होता है। दैट मीन्स एवरी पार्ट ऑफ द गॉल्जी एपरेटस, ठीक है, गॉल्जी एपरेटस एक कलेक्टिव टर्म है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एक कलेक्टिव टर्म है विच इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टर्नी एंड ट्यूबुल्स। ओके, तो कलेक्टिव टर्म दिया गया है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, ऑल टुगेदर दैट इज नोन एज गॉल्जी एपरेटस। ओके, तो उसका जो यूनिट होता है दैट इज नोन एज द डिक्टियोसोम। ओके, एंड दे आर स्कैटर्ड होल ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कहीं भी हिदर एंड थिदर एवरीवेयर दे आर स्कैटर्ड। ओके, गॉल्जी एपरेटस आर थिन कर्व्ड यूनिट्स जैसे कि हमें पता है, एंड दे आर नोन एज द सिस्टर्नी। ओके, सी इन दिस स्ट्रक्चर वी आर सीइंग द गॉल्जी एपरेटस। ओके, इट इज हैविंग दिस साइड, ओके, दिस अपर साइड दैट इज लिटिल बिट यू नो कॉन्वेक्स टाइप ऑफ सरफेस। ओके, दैट इज फर्स्ट लेयर ऑफ द ट्यूबुल दैट इज कॉन्वेक्स कॉन्केव टाइप ऑलमोस्ट, बट इट इज एट दिस स्टेज वी आर हैविंग सिस्टर्नी एंड ट्यूबुल्स, दे आर एक्चुअली द कॉन्वेक्स टाइप। ओके, दे आर फॉर्मिंग द अपर लेयर द कॉन्वेक्स। ओके, देन इन इनर साइड्स अंदर की साइड्स जो होती हैं, ओके, जो कि स्टैक्स बनाते हैं, ये कॉनकेव सरफेस बनाते हैं, और इस कॉनकेव सरफेस को हम ट्रांस फेस बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस ट्रांस फेस इज टुवर्ड्स द पेरीफरी, पेरीफरी की तरफ इसका मुंह होता है, और जो दूसरी तरफ की जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है द अपर सरफेस, दिस वन एक्चुअली दिस इज नॉट द अपर सरफेस, इट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड दिस सरफेस दिस इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड इट इज नोन एज द सिस फॉर्म। ओके, सिस स्टेज और सिस फेस। ओके, अब ये सिस फेस क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स लेकर आती है। ओके, और वेसिकल्स आकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने पढ़ा था कि हमने जाना था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका ओरिजिन होता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेसिकल्स लेकर आती है, और वेसिकल्स आकर इसमें सिस फेस की तरफ आकर जुड़ते चले जाते हैं, और दूसरी तरफ से ट्रांस फेस से कुछ वेसिकल्स, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कुछ वेसिकल्स ब्रेकअप ब्रेक होकर टूटते चले जाते हैं, और टूटने के बाद में वो पेरिफरी की तरफ जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाते हैं, एंड दे इन दिस वे दे ट्रांसफर, और वो ट्रांसफर करते हैं अपने अंदर का जो प्रोटीन है, जो पैकेज्ड प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड्स हैं, जो भी मटेरियल उनके अंदर ल्यूमेन में भरा है, वो वेसिकल्स के थ्रू आउटर सरफेस पर जाकर रिलीज कर देते हैं। तो वो हमेशा कहाँ से होता है, ट्रांस फेस से होता है, ठीक है। एंड दीज वेसिकल्स दे आर ब्रेकिंग अप फ्रॉम द गॉल्जी एपरेटस। तो इस तरीके से एक तरफ से तो गॉल्जी एपरेटस में वेसिकल्स का जुड़ना जारी रहता है, और दूसरी तरफ से वेसिकल्स का ब्रेकिंग अप हो जाता है, और जिससे उसका साइज मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। और इस तरीके से उसका डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो ल्यूमेन में स्टोर्ड है या स्टोरेज होता है या पैकेजिंग हो रही है, ठीक है, वो विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल ट्रांसफर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ भेज दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ओके, सो
नाउ व्हेन दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दे लूज द राइबोसोम्स, जब अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को लूज करते हैं, दे गिव राइज अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और उसके बाद में जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना राइबोसोम रिलीज करते हैं, उसके बाद में ये कुछ वेसिकल्स का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, और वो वेसिकल्स का यूज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फॉर्म्ड प्रोटीन है उसको कैरी करने में अप टू द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? राइबोसोम्स में। ओके, देन राइबोसोम्स में प्रोटीन चेन्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन्स फॉर्म्ड प्रोटीन्स को पुश कर दिया जाता है, एंड देयर फ्रॉम देयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्सेस में। गॉल्जी कॉम्प्लेक्सेस में क्यों भेज दिए जाते हैं? एक्चुअली द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द प्रोटीन दैट इज ब्रोकन डाउन इंटू रिक्वायर्ड और एडिक्वेट पीसेस। एडिक्वेट पीसेस जो प्रोटीन के हैं या रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं विच आर नीडेड फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सेल की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सी हाउ दिस गॉल्जी कॉम्प्लेक्स दे वर्क। फर्स्टली क्रोमोसोम एज यू नो दैट बिल्ड्स एन एमिनो एसिड। ठीक है, एक एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद में एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है और वहाँ पुश कर दिया जाता है। देन आफ्टरवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेज की तरफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में पुश कर दिया जाता है और वहाँ पर इसकी जो है वो पैकेजिंग होती है। ठीक है, और ट्रिमिंग होती है। ओके, उसको ज़रूरत के अनुसार काटा जाता है और पैकेजिंग होती है। तो ये काम कहाँ होते हैं? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। ठीक है, और कुछ उसमें एडअप होना होता है जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन्स के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट के चेन भी अटैच कर दी जाती है। ठीक है, इफ दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दूसरे डेरिवेटिव्स हैं, दे आर ऑल्सो मेड अटैच्ड विद दैट। ठीक है, दैट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो ट्रांस स्टेज है, ट्रांस फेस है, उस ट्रांस फेस से वेसिकल्स के रूप में ये फॉर्म्ड डेरिवेटिव्स हैं या फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स हैं, दे आर सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, डिफरेंट डेस्टिनेशंस को सेंड कर दिए जाते हैं विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ओके, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं हाउ दिस राइबोसोम्स व्हेन दे आर डिटैचिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्रॉम हियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर सिंथेसाइजिंग द वेसिकल्स ऑफ द दिस गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड दिस गॉल्जी कॉम्प्लेक्स दे आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज यू नो दीज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वेसिकल्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यू सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज यू नो दिस इज द कॉम्प्ले गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज यू नो मेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट इज डूइंग द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, एंड दीज वेसिकल्स दे आर द कैरियर मॉलिक्यूल्स और दे आर एक्चुअली द मैसेज सेंडर्स। ओके, ये मैसेज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस दे आर सेंडिंग। ठीक है, और टू डिफरेंट पार्ट्स एंड आउट ऑफ द सेल ऑल्सो दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द बाउंड्री ऑफ द सेल। ओके, एज यू सी देन गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द गॉल्जी
सो गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ओके एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस क्या होते हैं? नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन. ओके द गोल्जी कॉम्प्लेक्स दैट हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अब आपको मालूम है कि वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है और विच आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. ट्रांस फेज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांस फेज से ब्रेक होके वो डिटैच हो जाते हैं और वो डिटैच होने के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पेरिफेरी पे चले जाते हैं और वहाँ अटैच हो जाते हैं. तो इस तरीके से क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी या फिर रिपेयरिंग भी करते हैं. ठीक है, जहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है उसको रिपेयरिंग का काम भी करना करते हैं ये. और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंथेसिस भी करते हैं. ठीक है, और इसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन भी ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करते हैं. ठीक है, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिपेयरिंग ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही होता है. देन दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में करते हैं हेल्प करते हैं. ठीक है, ये प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं और डिस्पैचिंग करते हैं मटेरियल की. ठीक है, सेल के अंदर जो मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर सेंट ओके टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल और डिफरेंट डेस्टिनेशंस. ठीक है, और उनका स्टोरेज भी किया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही. ठीक है, प्रोसेसिंग भी होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में. प्रोसेसिंग का मतलब होता है जैसे डिफरेंट पैकेजिंग है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, दे आर पीस्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस. ओके देन उनको कैसे अकॉर्डिंग टू द नीड. ओके, जैसे उनको फंक्शनल बनाने के लिए. ठीक है, वो भी प्रोसेसिंग होती है, वो कहाँ होती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही होती है. ठीक है, एग योक जो होता है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है. ओके, दैट इज द एक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. द योक फॉर्म्ड, दैट इज द एक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ब्रिंग मेटेरियल सच अ पिगमेंट्स सच एज पिगमेंट्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं वो क्या क्या लेके जाते हैं, किन किन चीज़ों को कैरी करते हैं, ये हो सकते हैं पिगमेंट्स हो सकते हैं, हॉर्मोन्स हो जाते हैं. ठीक है, एंजाइम्स भी होते हैं और प्रोटीन्स जो डिफरेंट डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं और उनके प्रोसेसिंग और पैकेजिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होते हैं. ओके, तो इस तरीके से गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स क्या होते हैं? लाइजोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल वेसिकल्स होते हैं विच आर फाउंड इन सेल्स. ओके, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सेप्ट मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स एंड प्रोकैरियोट्स मोस्ट एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स. लाइजोसोम्स एक्चुअली एरिथ्रोसाइट्स, प्रोकैरियोट्स और मोस्ट प्लांट सेल्स में, ज़्यादातर प्लांट सेल्स में अवेलेबल नहीं होते. दीज डिटैच फ्रॉम गोल्जी गोल्जी एपरेटस. ठीक है, जो वेसिकल्स गोल्जी एपरेटस से डिटैच होते हैं दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग द लाइजोसोम्स और वो लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं. एंड दे आर हैविंग डिफरेंट एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्चुअली. ओके, दैट इज वाई द प्लांट सेल्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन, दैट इज वाई दे आर रेयरली प्रेजेंट इन प्लांट्स, दे आर नॉट कॉमनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड इन आरबीसीज ऑफ द मेमेलियन एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर नॉट प्रेजेंट. ओके,
प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्यों नहीं प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज दे आर द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, दैट इज वेयर दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ओके देन व्हेन दीज डिटैच फ्रॉम द गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और एपरेटस इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, जब सेक्रेटरी वेसिकल्स किल्स के रूप में ये गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से सेपरेट होते हैं तो वेसिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तब इनको हम प्राइमरी लाइजोसोम्स कहते हैं। एंड इवेंचुअली व्हेन दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाहर जब वो साइटोप्लाज्म से रिलीज हो जाते हैं या सेल से रिलीज हो जाते हैं, देन दे आर नोन एज सेकेंडरी लाइजोसोम्स। तो प्राइमरी लाइजोसोम सेल के अंदर ही होते हैं बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द वेसिकुलर स्ट्रक्चर। वेसिकल्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, देन दे आर नोन एज द प्राइमरी लाइजोसोम्स, और सेकेंडरी लाइजोसोम्स तब कहलाते हैं जब वो साइटोप्लाज्म से निकलकर बाहर आउटर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, सेल के आउटर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, देन दे आर नोन एज द सेकेंडरी लाइजोसोम्स। ओके द लाइजोसोम्स कंसिस्ट ऑफ ए मेम्ब्रेन ऑफ लिपोप्रोटीन्स। इनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये लिपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दोनों के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी बनी हुई होती हैं। ओके द स्ट्रक्चर ऑफ फिल्ड द स्ट्रक्चर इज फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट ऑल सेलुलर कंटेंट्स। सेल के अंदर जितने भी मटेरियल या सब्सटेंस है उसको इजीली डाइजेस्ट करने में सक्षम होते हैं ये वेसिकल्स ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स विच आर नोन एज द लाइजोसोम्स। ओके नाउ लाइजोसोम्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये पिक्चर बना हुआ है कैसे लाइजोसोम्स, सॉरी ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जब होता है सेल में, ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेसिकल्स आर फॉर्म्ड। सी हियर द वेसिकल्स आर फॉर्म्ड हियर। ओके ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से, जो कि हम कह सकते हैं प्राइमरी लाइजोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर प्राइमरी लाइजोसोम से दे आर यू नो दे आर फॉर्मिंग द सेक्रेटरी वेसिकल्स। ओके एंड दे आर सेक्रेटिंग सेक्रेटिंग द सेक्रेशंस विद इन द सेल्स एंड दे आर कैरिंग आउटसाइड द सेल ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से आउट सेल के बाहर और विद इन द सेल, ठीक है, एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को लेके जाते हैं ये, ठीक है, तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, तो एक एक्सक्रीटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और समटाइम्स तो इस तरीके से एक्सोसाइटोसिस, एक्सो एक्सो मीन्स आउटर वर्ल्ड, ओके साइटोसिस बाहर की तरफ सेल का साइटोसिस होता है या ब्रेकेज होता है, और सब्सटेंस बाहर की तरफ सेल के या साइटोप्लाज्म के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और एंडोसाइटोसिस में यहाँ देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और वेसिकल्स के साथ ये मटेरियल आउटसाइड वर्ल्ड से इनसाइड द साइटोप्लाज्म कैरी हो जाता है और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाता है, वहाँ इसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, और प्रोसेसिंग होने के बाद में अगेन दैट इज ट्रांसफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। ओके नाउ द फंक्शंस ऑफ द लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स के फंक्शंस क्या होते हैं? इन केस ऑफ डैमेज ऑफ द सेल लाइजोसोम्स बर्स्ट एंड रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द सेल टू डाइजेस्ट द सेलुलर कंपोनेंट्स, दे आर दस कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑटोफेजी। जब सेल के अंदर अगर कुछ डैमेज हो जाता है या वेस्ट मटेरियल के रूप में सेल के कुछ पार्ट्स टूट जाते हैं, तो उन वेस्ट पार्ट्स का जो सेल के टूटे हुए हिस्से होते हैं या टुकड़े होते हैं उनको उनको
डाइजेस्ट करने का काम लाइजोजोम्स का होता है, और लाइजोजोम्स उन्हें डाइजेस्ट कर देता है डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स को, ठीक है। और इस तरीके से ये उस समय जब जो वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल एज डेब्रीज के रूप में डिपॉजिट हो जाता है या साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाता है, तो उसको ये डिस्ट्रॉय करने के लिए बस्ट कर जाते हैं, खुद में बस्टिंग कर देते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी बस्ट कर जाती है, और जो सेल और इनके अंदर जो सैप भरा होता है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में और वो सारा डेब्रिस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को, जबकि लाइजोसोम्स खुद सेल्फ बस्ट कर जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑटोफेजी, ओके, इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट द डिफरेंट डेब्रीज और डिफरेंट वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल, ओके। अब लाइजोसोम्स दे रिलीज द एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, ओके, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। देन दीज रिमूव द अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, सर्टेन टॉक्सिन्स एसेट्रा, एंड प्रोटेक्ट द सेल, ठीक है। इनका काम अनवांटेड, हमने देखा कि अनवांटेड मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, डेब्रिस को या पॉइजनस सब्सटेंस को, या फिर डेब्रिस को जो कि हार्मफुल हैं सेल के लिए, हार्मफुल हैं तो इस तरीके के सब्सटेंसेस को वो डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और सेल के बाहर एज ए फॉरेन सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं, ठीक है। लाइजोसोम्स एड इन द रिमूवल ऑफ द सेलुलर डेब्रिस बाय द डाइजेस्टिंग द वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, जो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जो बेकार हो चुके हैं, जिनका डैमेजिंग शुरू हो गया है या पुराने हो गए हैं, तो उनकी टूट फूट के लिए एज ए डेब्रिस के रूप में उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। दीज आर दस कॉल्ड द सेलुलर स्केवेंजर्स, और इस तरीके से लाइजोसोम्स को हम सेलुलर स्केवेंजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्केवेंजिंग का काम करते हैं, जहाँ भी कचरा या कूड़ा या फिर वेस्ट मटेरियल के रूप में सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, दे क्लीन द साइटोप्लाज्म, ओके, और साइटोप्लाज्म को साफ रखते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं दे आर डूइंग द हाउस कीपिंग वर्क, ओके। लाइजोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय सी डुबे इन 1949 में सी डुबे के द्वारा ये डिस्कवर हुए थे। इन फ्रॉग व्हेन द टैडपोल ट्रांसफॉर्म्स इनटू द एडल्ट द एम्ब्रियोनिक टिश्यूज गिल्स एंड टेल दे आर डाइजेस्टेड बाय लाइजोसोम्स, ठीक है। जब टैडपोल से एडल्ट बनता है फ्रॉग्स में, तो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज जैसे कि गिल्स और टेल्स दे आर डाइजेस्टेड, ठीक है। एम्ब्रियोनिक टिश्यूज गिल्स और टेल्स का डाइजेशन होता है उस समय जब टैडपोल से फ्रॉग या फिर एडल्ट की फॉर्म में चेंज हो रहा होता है फ्रॉग उस समय, ठीक है। जब टैडपोल से फ्रॉग के एडल्ट के रूप में जब कन्वर्जन होता है, तो उस समय टेल और गिल्स का, ठीक है, गिल्स और टेल्स, दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टैडपोल, ठीक है, दे आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स के द्वारा ही डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं या उनके एंजाइम्स के द्वारा। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के समय भी जब स्पर्म्स होते हैं, तो व्हेन स्पर्म एंटर्स इनटू द ओवम, जब ओवम के अंदर स्पर्म एंटर करता है, द लाइजोसोम्स एंजाइम प्रेजेंट इन द एक्रोसोम, एक्रोसोम जो होता है स्पर्म का, जो कि टिप होती है स्पर्म की, वो उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स और यू कैन से ये लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और
वो एग की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देते हैं एंड देन द स्पर्म एंटर्स इनटू द और द जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म इज एंटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लूरल वर्ड एंड माइटोकॉन्ड्रियन दैट इज द सिंगुलर वर्ड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एटीपीज के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स विच आर सिंथेसाइज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दीज अकर इन ऑल एरोबिक सेल्स, सभी एरोबिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट नहीं प्रेजेंट होते हैं तो वो प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होते, एनारोब्स में एब्सेंट होते हैं और मेमेलिन आरबीसीज में भी एब्सेंट होते हैं बिकॉज ऑल दीज काइंड ऑफ सेल्स दे डू नॉट रेस्पायर। ठीक है, रेस्पायरेशन नहीं करते हैं, प्रोकैरियोट्स में रेस्पायरेशन नहीं होता इसलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, एनारोब्स में भी एब्सेंट होते हैं बिकॉज एनारोब्स दे डू नॉट टेक पार्ट इन रेस्पायरेशन एंड दे डू नॉट रिक्वायर द ऑक्सीजन एंड मेमेलिन आरबीसीज ऑल्सो दे डू नॉट रेस्पायर। दैट इज वाई ऑल दीज सेल्स दे आर लैकिंग द माइटोकॉन्ड्रियन स्ट्रक्चर्स। एंड सेकेंड थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेम्ब्रेनस एंड डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स विच आर ऑब्वियसली नॉट प्रेजेंट इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि इनकी दो लेयर्स होती हैं, एक इंटरनल लेयर और एक आउटर लेयर। इंटरनल लेयर में फोल्डिंग्स हो जाते हैं एंड विच आर नोन एज द क्रिस्टी। इंटरनल लेयर में बहुत सारे फोल्ड्स हो जाते हैं और उनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, आउटर लेयर दैट इज नोन एज अ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, द आउटर मेम्ब्रेन दैट इज फुली परमेबल और मेम्ब्रेन ये फुली परमेबल होती है। ठीक है, वाइल इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो फुली परमेबल है और इनर मेम्ब्रेन ओनली सेलेक्टिवली परमेबल है। दैट मीन्स वो ओनली कुछ ही सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही अपने में से पास थ्रू होने देती है एंड दैट इज द रेस्ट्रिक्टिव नेचर ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का रेस्ट्रिक्टिव नेचर है, दैट इज द फीचर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन इनर मेम्ब्रेन। ओके, नाउ सी and the structure is given here, the cristae are shown here in this structure. Okay, see the cristae, these are the structures which are the see these are the cristae. Okay, these are the bulging of the inner membrane of the mitochondria. Okay, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर जो है वो बल्ज कर जाती है एंड दैट फॉर्म्स द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और क्रिस्टी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये जो है वो मैट्रिक्स है। ओके, और ये वाली जो लेयर है दैट इज द आउटर लेयर, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ now see the cristae present over the inner membrane of the mitochondria contain the ATP producing particles which are known as the oxysomes. ये cristae के ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर हैं, दे आर एक्चुअली द पिन लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर द एटीपी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटीपी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ओके, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया दैट मेक्स द फोल्ड्स, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्ड्स बनाती है, उनको हम कहते हैं क्रिस्टी। ओके, और इन क्रिस्टी के ऊपर
कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज द ऑक्सीजोम्स, और इनका काम होता है, ऑक्सीजोम्स का काम होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करना, ओके, एटीपी मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करना। द एटीपी दैट स्टोर्ड, दे आर स्टोरिंग द एनर्जी, ओके, एटीपी मॉलिक्यूल्स आपको मालूम है एनर्जी स्टोर करते हैं, विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द डिफरेंट सेल फंक्शंस, और मेटाबॉलिज्म में इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, बॉडी के अंदर या सेल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उस उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इस एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन हो जाता है एनर्जी के रूप में, ठीक है। और जैसे कि हम मैकेनिकल वर्क करते हैं और दूसरे वर्क करते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी वो कहाँ से आती है, यही एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। और ये एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ जनरेट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जनरेट होते हैं, और इनको हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं, ठीक है, जो कि एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं। इनर मेम्ब्रेन पर क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी में, क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीजोम्स पार्टिकल्स होते हैं, और ये ऑक्सीजोम्स ही एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स, राइट। नाउ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिवील्स दैट द स्पेस बिटवीन द क्रिस्टी एंड इज फिल्ड विद द डेंस जेली लाइक फ्लूड कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, क्रिस्टी के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, क्रिस्टीज के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्पेस होता है, दैट इज नोन एज अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का, ठीक है। और इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर भी होता है सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में डीएनए का एक पीस होता है, आरएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जब सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, और आरएनए प्रेजेंट है और राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होने का मतलब होता है कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनेल और दैट पर्टिकुलर पार्ट इज एबल टू रेप्लिकेट इट्स, और यू कैन से दैट इज एबल टू फॉर्म इट्स कॉपीज, ठीक है, अपनी कॉपीज को बनाने में सक्षम होता है, दैट इज वाई इट इज एबल टू फॉर्म इट्स न्यू स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यू माइटोकॉन्ड्रियन को बनाने में भी सक्षम होती है, बिकॉज दे आर हैविंग द देयर ओन जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इनके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, ओके, दीज सब्सटेंसेस हेल्प माइटोकॉन्ड्रियन टू सिंथेसाइज सम प्रोटीन्स, और ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो इस मशीनरी है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं, लिपिड्स हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, दे एक्चुअली फॉर्म द एपरेटस, कंप्लीट एपरेटस फॉर और मशीनरी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लीकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। अपने इन्हीं ऑर्गेनल्स को रेप्लीकेट करना या फिर दोबारा दूसरा बनाना, रिफॉर्म करना, ठीक है, के लिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर जरूरी होता है, आरएनए जरूरी होते हैं, राइबोसोम्स और लिपिड्स और दूसरे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारे ही चीज़ें ये मशीनरी या के रूप में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। दस माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर्स, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एज यू नो दे आर जनरेटिंग द एटीपी मॉलिक्यूल्स, एंड दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स दे आर जनरेटेड ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन द ऑक्सीजन कम्स इनसाइड द बॉडी एंड इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेरियस बॉडी वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, सो
दे आर यूटिलाइजिंग द एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड दिस एटीपी मॉलिक्यूल्स दे आर जनरेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। द ऑक्सीडाइज दे ऑक्सीडाइज द फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ये कैटालाइज करते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल के दौरान ये एक प्रोसेस होता है इन विच ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। क्रेब्स साइकिल वो प्रोसेस होता है जिसमें कि एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है या एटीपी मॉलिक्यूल्स से रिलीज होते हैं। हिंस माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी वजह से इसको बोला जाता है क्योंकि एटीपी मॉलिक्यूल्स का इनके अंदर सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, ये आपको पता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मशीनरी, कंप्लीट मशीनरी प्रेजेंट होती है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपने एग्जैक्ट अपने जैसे ही पूरी कॉपी को का फॉर्मेशन कर देना, एक जेरोक्स कॉपी का फॉर्मेशन करना। ठीक है, इसके लिए बॉडी में डीएनए का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा देन रेप्लिकेशन ऑफ एनीथिंग विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो आरएनए, राइबोसोम्स, लिपिड्स और दूसरे एंजाइम्स की जो ज़रूरत होती है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारे सब्सटेंसेस और टूल्स और सॉरी मशीनरी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में